हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी टीम। तो इंडिया जो है सेमीफाइनल से जो है न्यूजीलैंड के साथ मैच हार चुकी है वो, और इंडिया बाहर हो गई है। तो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है हम लोगों के लिए, ख़ासतौर से जो लोग फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई इंडिया को जीतना चाहिए था, हम लोग ये भी चाहते थे कि हम लोग जो है फैंटेसी जितने भी हमने साइड में जो है मैच लगाया है, जितना भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो सब हम हार जाएं, ठीक है, फिर भी लेकिन इंडिया को जो है ये मैच जीतना चाहिए। हालांकि जब से इंडिया सेमीफाइनल पे आई है, मैंने लगभग जहां पे मैं 10K एक मैच पे लगाता था, अभी मैंने लगभग उसका 10% भी मैंने इंडिया विशेष न्यूजीलैंड के मैच में मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि मैं कल से जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया कैसे भी फाइनल में जाए और वर्ल्ड कप हमारे हाथ में हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो हम सबको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया अब जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। शायद मेरे हिसाब से अभी भी इंडिया जो है वर्ल्ड कप में, अभी तक जो तीनों टीम है उन तीनों टीम से वर्ल्ड कप में इंडिया जो है अभी भी सबसे बेस्ट टीम है, लेकिन शायद इस बार हमारे नसीब में नहीं था, अगली बार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी आप पर्टिकुलर प्लेयर को इस मैच पे ब्लेम नहीं कर सकते, शायद क्या पता कि इस बार वर्ल्ड कप जो है न्यूजीलैंड ले जाए तो उनका लक जो है हमसे ज़्यादा अच्छा था, इसलिए वो जीत गए। और बात कर लेते हैं बैटिंग की, तो बैटिंग इंडिया की जो है इस वर्ल्ड कप में, मैं पहले से मुझे ऐसा लगता था अगर विराट कोहली मिडिल ऑर्डर पे नहीं चलेंगे तो इंडिया का मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा जो है कमज़ोर दिखता है, क्योंकि अकेले धोनी जो है कुछ नहीं कर सकते, वो हमने देखा। हालांकि जडेजा ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली और इंडिया को बहुत ही क्लोज लाए, जहां से हम लोग मैच शायद विन कर सकते थे, लेकिन वनडे में ऐसा बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही रेयर होता है। हालांकि धोनी ने इससे पहले भी एक दो मैचेस पे ऐसा किया हुआ है कि जिससे हारे हुए मैच पे भी वो जो है वो जिता सकते थे। तो एक बार हम लोग अगर स्कोर कार्ड देखें तो हम लोग बहुत ही क्लोज थे, लेकिन अगर आपने पूरा मैच देखा होगा तो सेकेंड इनिंग शुरू होने तक ही आपको पता चल गया होगा कि इंडिया जो है शायद ये मैच नहीं जीत सकती। हालांकि हम लोग जो है इतना जल्दी हार नहीं मानते, क्योंकि हमारे जो इंडियन टीम है उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, आखिर तक हमें लड़ाई करना चाहिए, जो कि इंडिया टीम ने किया, और हम लोग जो है शायद अब वर्ल्ड कप में इस वर्ल्ड कप में बाहर हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। होप करता हूँ जो टीम अच्छी है वो फाइनल जीते और कप उठाए। लेकिन बात कर लेते हैं इंडिया टीम को, आप प्लीज़ ट्रोल मत करो, उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, प्रिपरेशन की है इस वर्ल्ड कप के लिए। विराट कोहली भी वो इमोशन अपना जो है इस वर्ल्ड कप में ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी हम लोगों से जो है ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि वो टीम के कैप्टन हैं। रोहित शर्मा जिन्होंने 5 सेंचुरी लगाई है, और शायद MS धोनी जिनका लास्ट वर्ल्ड कप है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे इंडिया बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी कमबैक करेगी और अच्छी क्रिकेट खेले। जीत और हार हमेशा आपकी तरफ नहीं होती है, जैसे इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रही है वैसी खेले, ठीक है। और बात करते हैं जो लोग अब जो है वो फैंटेसी गेम खेलते हैं, अब हम लोग के लिए थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अब हम लोग सारे जो है अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में भी, जो मैंने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड को दिया था, कि आप जीते या ना हारे इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बस इंडिया अगर ये मैच विन कर ले तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, तो मैंने वीडियो में भी कहा था। तो होप करता हूँ इंडिया आगे बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगी और हम लोग फैंटेसी साइड पे जो है अच्छी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। हालांकि बहुत ही अंदर से दुख हो रहा है, लेकिन मुझे जब धोनी का रन आउट हुआ था ना, एक समय के लिए मुझे बिलीव नहीं हुआ था, मुझे लग रहा था जो है रिप्ले ही नहीं आए, ठीक है। जब वो थर्ड एम्पायर के पास गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि थर्ड एम्पायर के पास मत जाओ यार, रुक जाओ अभी पे, नॉट आउट दे दो किसी भी तरह से, कुछ भी हो जाए धोनी को नॉट आउट दे दो। आखिरी चांस जो हमारे पास था वही था, एक बार जब हमने, हालांकि रिप्ले जाने से पहले ही पता चला कि धोनी आउट है वहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट थ्रो लग गया था। गप्टिल अभी तक बैटिंग के साथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फील्डिंग से अच्छी खासी फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जडेजा है। लेकिन होप करता हूँ धोनी के शायद ये लास्ट जो इनिंग अगर होता है तो एक बहुत ही अच्छी एक
बहुत मज़ेदार एक चीज़ होगी, धोनी जो पहला जो उन्होंने वनडे में डेब्यू किया था उसमें भी वो बांग्लादेश के अगेंस्ट रन आउट हुए थे, और अगर ये मैच जो उनका वनडे का लास्ट मैच होता है तो भी वो लास्ट मैच पे रन आउट होकर जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो जो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। हम लोग इस बार ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और होपफुली ये मैच हमारे लिए सक्सेसफुल रहेगा। जो हमारा इमोशनल टच था इंडिया के साथ वो अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, तो हम लोग अब पूरी मन से जो है अपनी बस अपना जो है विन करने में ध्यान लगाएंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।